हेमा मालिनी इन दिनों कहाँ व्यस्त रह रही है, लोगों के जहन में इसे लेकर भी सवाल तो है। तो आपको बता दें, हमारी इस रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प बातें जो हम आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं हेमा मालिनी जी को लेकर, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से नाता तो उनका भी गहरा है। लोकसभा की सदस्य तो वो है ही और राज्यसभा में हाल ही में जया बच्चन ने हंगामे किए हैं। तो आपको बता दें, हेमा मालिनी को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय ये बताना चाहेंगे। हेमा मालिनी के गाल को लेकर एक बार जो मंत्री ने बवाल खड़े किए थे, इसके बाद हेमा मालिनी का स्टेटमेंट फिर चर्चा का विषय बना है। मंत्री गुलाब राव पाटिल ने सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की थी, तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा था ये ट्रेंड बन गया है। तो आपको बताना चाहेंगे, जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाब राव पाटिल ने जो ये कह दिया था एक्ट्रेस और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के गालों को लेकर, तो हेमा मालिनी के लिए जो था शब्द उनका ये था, जो 30 सालों से विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए, यहाँ की सड़कें देखनी चाहिए। अगर सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कहकर हेमा मालिनी को उन्होंने चौंका दिया था। वैसे तो हेमा ने दर्द छलकाया था कि मुझे इस तरह की कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं, बेहतर होगा मैं अपने गालों को ठीक से सुरक्षित रूप से रख लूं, मुझे इस तरह की कमेंट्स पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क और गालों की तुलना करने का ट्रेंड सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी, ये ट्रेंड अब भी जारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी महिला के बारे में ऐसी बात किसी को नहीं करनी चाहिए। तो इस ऐसा जब हेमा मालिनी ने कहा तो गुलाब राव पाटिल ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा, मेरा मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, मुझे अपने कमेंट के लिए खेद है, मैं उस शिवसेना से ताल्लुक रखता हूं जिसके आइडल छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। अब इसी बात पर उन्होंने माफ़ी मांगकर कहीं ना कहीं बात रखी। सांसद संजय राउत ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा था इस तरह की तुलना पहले भी हुई और हेमा जी के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए, हम उनकी इज्जत करते हैं, इसे नेगेटिव रूप में ना देखिए। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी यही उदाहरण दिया था। साल 2003 से भाजपा के साथ जुड़ाव है हेमा मालिनी का और इसलिए उनको इस तरह का तुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।